मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में आधे से ज़्यादा स्टोरी पढ़ा दी थी अब मैं शुरू कर रहा हूँ आगे क्या है मिस्टर एम हेमल गेप फोर्टी ईयर ऑफ हिज लाइफ नहीं नहीं यहाँ से नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेंच बिगेन टू फील सॉरी फॉर नॉट बींग सीरियस इन मिस्टर एम हेमल क्लास पहली बार फ्रेंच ने सॉरी फील किया जो फ्रेंच ने कि वो उसकी क्लास में कभी सीरियस नहीं रहा और आज वो खुद ही क्लास छोड़ के जा रहे हैं ही वॉज सैड दैट ही वुड नेबर सी हिज टीचर मिस्टर एम हेमल अगेन वो दुखी था क्योंकि वो मिस्टर एम हेमल को दोबारा नहीं देख पाएगा नाव ही अंडरस्टूड वाई मिस्टर एम हेमल वॉज इन हीज बेस्ट ड्रेस अब वो समझ गया कि मिस्टर एम हेमल अपने बेस्ट ड्रेस में क्यों थे ही ऑल्सो अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड द पीपल वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास वो ये भी समझ गया कि गाँव के लोग क्लास के पीछे क्यों बैठे हैं मिस्टर एम हेमल गेप अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई द पीपल एन अ केम वाई द विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास ये पूछा जाता है खूब आप कभी पेपर देखोगे तो हर तीसरे चौथे हर दूसरे सेट में ये पूछा जाता है कि भाई जो विलेजर्स थे उनका काम क्या था वो क्लास में आके क्यों बैठे थे तो उसका आंसर है कि मिस्टर एम हेमल गेट फोर्टी ईयर ऑफ हिज़ लाइफ इन टीचिंग फ्रांच लैंग्वेज मिस्टर एम हेमल ने अपनी ज़िंदगी का लगभग चालीस साल फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने में बिता दिया दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट टू मिस्टर एम हेमल फोर्टी ईयर ऑफ हिस्स फेथफुल सर्विस वो मिस्टर एम हेमल के चालीस साल के चालीस साल के फेथफुल सर्विस के लिए रिगार्ड पे करते आए थे मिस्टर एम हेमल स्टार्टेड टीचिंग फ्रेंच इन डिटेल मिस्टर एम हेमल ने फ्रेंच डिटेल में पढ़ाना शुरू किया हिस्स फ्रेंच आक्स फ्रेंच रिसिट द रूल ऑफ़ दार्टिसिपल उनने पार्टिसिपल के रूल को फ्रेंच को रिसिड करने को कहा दोहराने को कहा फ्रेंच मिक्सडअप ऑन द फर्स्ट वर्ड फ्रेंच ने पहला ही वर्ड मिस, मिक्स कर दिया बट मिस्टर एम हेमल डिडेंट स्कोल्ड हिम लेकिन मिस्टर एम हेमल ने उसे डांटा नहीं हिमनली सेट उन्होंने यही कहा दैट की बी प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन उन्होंने कहा कि हमें हम गर्व करते हैं कि हम फ्रेंच मैन हैं एंड एंड येट वी कुड नीदर स्पीक एंड नॉर राइट ऑफ आर ओन लैंग्वेज उन्होंने कहा कि हम ना तो अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं फिर भी हम घमंड करते हैं कि हम एक फ्रेंच मैन हैं देन ही स्पोक इन डिटेल द फ्रेंच लैंग्वेज एंड सेट दैट इट वॉज़ द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने डिटेल में फिर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने कहा यह दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है मिस्टर एम हम ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द बॉयज लाइक फ्रेंच उन्होंने ब्लेम किया फ्रेंच के ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुम मिस्टर एम हमल ब्लेम्ड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंच उन्होंने किसको ब्लेम किया तो मिस्टर हेमल एम हेमल ब्लेम द पेरेंट्स ऑफ द बॉयज लाइक फ्रेंच ही सेड दैट दे डिड नॉट केयर अबाउट देयर स्टडी उनने कहा उन्हें फ्रेंच के फ्रेंच जैसे बच्चों के माँ बाप को ब्लेम किया कि उनके उनके माँ बाप बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते ही सेट दैट उनने कहा कि दे डिड डॉट केयर अबाउट देयर स्टडीज़ उनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते दे देबर एनेक्सियस टू पुट देयर चिल्ड्रन टू सम वर्क एंड दस हैड ए लिटिल मोर मनी वो लोग ज़्यादा यही सोचते हैं कि बच्चों को किसी ना किसी तरह से किसी काम में लगा दिया जाए जिससे थोड़ा और पैसा मिल जाए मिस्टर एम एम एल ब्लेम्ड हिम सेल्फ ऑल्सो उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया ही सेड दैट उन्होंने कहा कि ही हैड नाट ऑफेंसेंट फ्रेंस टू वाटर हिज फ्लार इन स्टेट लर्निंग हिज लेसन वो क्या होता था बीच बीच में कभी अपने पौधों को पानी देने के लिए फ्रेंच को भेज देते थे तो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे कि मुझे भी फ्रेंच को पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजना चाहिए था बल्कि उसे अपने पढ़ाई पे ध्यान देने को कहना चाहिए था मिस्टर एम हेमल ओपन्ट अ ग्रामर एंड गेव हिज लेसन लास्ट लेसन टू दी क्लास मिस्टर एम हेमल ने ग्रामर की बुक ओपन की और उन्होंने अपने क्लास को लास्ट लेसन दिया फ्रेंच वॉज अमेज टू सी दैट ही अंडरस्टूड एवरी वर्ड ऑफ इट और फ्रेंच बड़ा अमेज था उस दिन बहुत आश्चर्यचकित था कि वो उसके एक एक वर्ड को समझ रहा था मिस्टर एम हेमल गेव अप प्रैक्टिस इन राइटिंग उन्होंने राइटिंग की एक प्रैक्टिस दी वाइल ऑल स्टूडेंट्स बट बिज़ी इन दियर राइटिंग जब सारे बच्चे अपनी राइटिंग में बिजी थे मिस्टर एम हेमल गेज एट एवरी थिंग इन द क्लास रूम मिस्टर एम हेमल ने क्लास रूम की सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा इट वॉज एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फ्रेम एवरी थिंग इन हिज माइंड ऐसा लग रहा था कि वो क्लास की सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे ऑल एट वॉन्स द चर्च क्लाक स्टॉक ट्वेल्व इसी बीच चर्च की घड़ी ने बारह बजा दिए मिस्टर एम हेमल स्टूड अप एंड स्टे एंड मिस्टर एम हेमल स्टूड अप टू से समथिंग मिस्टर एम हेमल कुछ कहने के लिए उठे बट ही वॉज अनेबल टू वो कुछ बोल नहीं पाए ही वो चौकड विद इमोशन उनका गला इमोशन से भर आया था ही टूक अ पीस ऑफ चौक उन्होंने एक चौक का पीस लिया एंड रोड ऑन दी ब्लैक बोर्ड एज लॉन्ग एज ही कुड और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा जितना बड़ा लिख सकते थे बिब लॉ फ्रेंच उन्होंने लिखा था फ्रेंच में बिब लॉ फ्रेंच कुछ इंग्लिश मीनिंग इज लिब लॉन्ग फ्रेंच और जिसकी इंग्लिश मीनिंग थी लिब लॉन्ग फ्रेंच ये लेशन ख़त्म हुआ जल्दी ही मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी भेजूँगा पीडीएफ फॉर्म में और मुझे आशा है कि आप लोग इसे समझोगे और करोगे